Hello students, welcome here. We are again with you with a new topic, and today we are discussing about a very interesting topic. And here we already discussed Newton's first law of motion, second law and third law. So today we are discussing about second law, jo is the real law of motion. Hum is point pe discuss karne wale hain कि जो हमारी सेकेंड लॉ हो वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, तो कैसे है, किस तरीके से है, ठीक है. मतलब हम बेसिकली यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे दैट इज वी वांट टू शो हियर फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ इज आल्सो कंटेन इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर. आज हम क्या करेंगे, हम ये शो करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी सेकेंड लॉ में कनेक्ट करती है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी थर्ड लॉ में भी कनेक्ट करती है. मतलब हम दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. चलिए तो देखते हैं बेटा. तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हुए, ठीक है. और ये मैंने गलती से लिख दिया है इसके ऊपर, सॉरी. और आज हम इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. आज हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ. क्लियर बेटा. तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं वी हैव टू प्रूव फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हुए फर्स्ट लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एंड आई जस्ट टेल यू दिस इज 11th फिजिक्स एंड चैप्टर 5 वी आर डिस्कसिंग टूडे दैट इज लॉज ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके. देन इफ आई एम सेइंग इफ नो एक्सटर्नल force is applied on body. अगर body पे कोई भी force apply ना किया जाए, it means this is zero. Or you can say, or we can say, ma is equal to zero. Am I right? Okay. And we know, m never become zero. Mass कभी zero नहीं हो सकता. We already know it. मास कभी जीरो नहीं हो सकता ना. सो ए बिकम जीरो, क्योंकि देखिए अगर कोई क्वांटिटी है वो जीरो है, अगर कोई क्वांटिटी जीरो है इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा. तो एम तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन जीरो हुआ, इसका मतलब ए जीरो हुआ, है ना. सो इट मीन्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी if F external is equal to zero. अगर external force हमारा zero है तो उस body में कोई भी acceleration नहीं रहेगा. इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि the body remain in rest. इस बात का मतलब क्या है, the body is at rest. Body किस में है, इसका मतलब body rest में है. एंड ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. या तो बॉडी रेस्ट में है ना, या ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. या तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, या हम क्या कहेंगे जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है कंटिन्यू अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, या हम क्या कहेंगे बॉडी इज continue in motion if F external is zero. यही कहेंगे ना हम, क्या कहेंगे, तो बॉडी रेस्ट में है अगर ये कंडीशन हमारे पास आ गई है, या हम कहेंगे कि बॉडी कंटिन्यू मोशन में है. और हमारे फर्स्ट लॉ क्या कहती है, फर्स्ट लॉ यही तो कहती है कि बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अंटिल एंड अनलेस वी डोंट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. तो हमने फोर्स तो जीरो ही कर दिया है ना, तभी ये कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है. तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि हम फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, क्लियर. अब हम करते हैं न्यूटन
थर्ड लॉ को फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए। ओके, अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को करेंगे सेकंड लॉ का यूज करते हुए। हाँ जी, सो देखिए बेटा, हमने क्या किया, दो बॉडी मान ली, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। हम दो बॉडी मानी ए एंड बी। ओके, सो लेट दे लेट देम कोलाइड, जैसे कि मैंने बोला दो बॉडीज, हमने उनको कोलाइडिंग करने दिया, हमने वो क्या कर दिया, दोनों को कोलाइडिंग कराया। तो जब कोलाइडिंग करेंगे तो बॉडी ए इस पे फोर्स लगाएगी और बॉडी बी इस पे फोर्स लगाएगी। हमने माना कि जो बॉडी ए फोर्स लगा रही है वो एफ वन है और जो बॉडी बी फोर्स लगा रही है वो हमने एफ टू माना, ठीक है। और टैन टी हमने माना टाइम, कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो इतना टाइम ले रही है, कुछ इतने टाइम के लिए, कि कोई भी बॉडी मान लो मैंने पेंसिल बुक पे फोर्स लगा कितने टाइम के लिए लगा रही है, क्लियर। तो वो टाइम मैंने डेल टी कंसिडर करा। ओके, एच अब देखिए यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एफ इन टू टी। एफ वन क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी ए, ये क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी ए, और ये क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी बी। ओके, सो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट हम यूज करते हैं, सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बी का हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वन इंटू डेल टी। ऐसे ही बॉडी बी के लिए निकाल लेंगे, फॉर बॉडी ए, ठीक है। तो बॉडी ए के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज फॉर बॉडी ए एंड नाउ वी आर डूइंग फॉर बॉडी बी, तो वो हो जाएगा एफ टू इंटू डेल टी, ठीक है। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ए एंड बी वो हो जाएगा आपका एफ वन डेल टी प्लस एफ टू डालती, जो टोटल चेंज हमने ये कर दिया। अब देखिए, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, ओके, इफ हमने कंडीशन दी क्या, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, सिस्टम समझ रहे हो हम किसको कह रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं दो बॉडीज को, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टोटल चेंज इन मोमेंटम, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो एफ वन डेल टी प्लस एफ टू डेल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हम ये कह सकते हैं, है ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एफ वन डेल टी प्लस एफ टू डेल टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स यू कैन से एफ वन डेल टी माइनस एफ टू डेल टी, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, यहां से आप क्या कह सकते हो, एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, तो दिस इज अवर एक्शन एंड दिस इज अवर रिएक्शन,
सो एक्शन किसके इक्वल आ गया, एक्शन हमारा रिएक्शन के इक्वल आ गया, है ना। ओके तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, तो एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखिए हमने क्या करा, हमने सेकेंड लॉ का यूज करते हुए न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव कर दिया। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ, ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है कि अपनी रियल लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, समझ पे आ गया। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव करा न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हुए, फिर हमने क्या किया न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव करा। फर्स्ट लॉ क्या कहती है, फर्स्ट लॉ कहती है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके तो चलिए करते हैं। हाँ जी, सो हियर क्वेश्चन नंबर वन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 m/s² एंड ए मास m2। एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 m² Here, what acceleration will it give? Give if both mass are tied together. Mass are tied together. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है, उस टाइम पे मास हमारा m1 है और एक्सेलरेशन है 8 m/s², और एक दूसरा फोर्स है m2, उस पर इतना एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन अगर हम दोनों को क्या कर दें, पाई अप कर दें, ठीक है। तो हमारे पास दो सिचुएशन अवेलेबल है, फर्स्ट में क्या है, देखिए कंडीशन हमें पता है F=ma। ओके, फर्स्ट में मास हमें 5 दे रखा है, मास सॉरी फोर्स 5 दे रखा है, m1 मास दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है 8। यहां से हम m1 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 5/8 kg, m1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 m2 = 24, तो m2 कितना आ जाएगा 5/24 kg। m1 m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन जब दोनों को हम क्या कर देंगे, टाई अप कर देंगे, तो टोटल हमारा मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 5/8 + 5/24, टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। तो f क्या होता है, m a, क्या आ जाएगा f/m। ओके, फोर्स कितना दे रखा है 5, m कितना है, ये टोटल 5/8 + 5/24, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 15 + 5, और ये हो जाएगा 24 × 5/20, 5 × 4 = 24, 6 × 20, 6 m/s². ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ये एक्सेलरेशन। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, सो हियर वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2, ए बुलेट ऑफ मास, हमारे पास क्या है, एक बुलेट है जिसका मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी 20 m/s।
ठीक, और वो स्ट्राइक करती है एक वुडन प्लैंक के अंदर, क्लियर। तो जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है वी बी, वो हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो बुलेट क्या करती है किसी वुडन प्लैंक के अंदर जाके ऐसे स्ट्राइक करती है इस तरीके से, ओके। और जब वो जिसके अंदर स्ट्राइक करती है उसको पेनेट्रेट करती है 20 सेंटीमीटर तक, तो हमने माना जो पेनेट्रेटिंग डिस्टेंस है, पेनेट्रेटिंग डिस्टेंस वो हमने माना है एक्स 20 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुडन ब्लॉक, कि वुडन ब्लॉक ने कितना रेजिस्टेंस उसको रोकने के लिए लगाया होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस और यू कैन से ओपोजिशन, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय वुडन ब्लॉक, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास 100 ग्राम है तो हम इसको चेंज करेंगे 100 बाय 1000, सो हो जाएगा 10^-1 किलोग्राम। ये मीटर पर सेकंड में है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, ये सेंटीमीटर में है तो वी हैव टू चेंज इट एंड नाउ इट बिकम 1/5 मीटर। तो रेजिस्टेंस यानी कि आप ये कह सकते हो ये मेरे पास कोई वुडन ब्लॉक है इस तरीके से, इसमें गोली अंदर गई तो मान लो यहां तक गया, ठीक है, तो ये इसके अंदर ऐसे जा रहा था, इस पर ऑपोजिट में फोर्स ही लगेगा एक तरीके का, है ना, मतलब इसको रोकने के लिए भी इसके अंदर कितना पेनेट, तो उसने अपने डायरेक्शन में रोकने के लिए क्या लगाया, ऑपोजिंग फोर्स लगाया, यानी कि रेजिस्टेंस जो इसको कैलकुलेट करना है हमने वुडन प्लैंक के ऊपर वो एफ ही होगा बेसिकली, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन इन स्टॉपिंग द बुलेट, ओके, वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, क्लियर। क्योंकि जब जितने उससे ज्यादा जोर से, जितना जोर से वो जाएगी उतना ही ज्यादा उधर से क्या होगा एक्शन, जितना एक्शन होगा उतना ही जोर से क्या होगा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है। तो यहां से देखिए हम इसको क्या कह सकते हैं, देखिए ये फोर्स हो जाएगा, तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा 1/2 mv², इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये वर्क डन का हो गया, ठीक है। चलिए तो एफ यहां से क्या हो जाएगा 1/2 mv² / x, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 × m कितना हमारे पास है 10^-1 इंटू 20 × 20 और अपॉन में x कितना दे रखा है बेटा 1/5, ठीक है। तो देखिए 2×10^20, ओके। तो इसको जब हम पूरे को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 100 न्यूटन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये वो फोर्स है दैट इज ऑफर्ड बाय द वुडन प्लैंक टू रेजिस्ट द पेनिट्रेटिंग फॉर द ब्लैक। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, तो आपको होप काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। सो काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास, बुलेट ऑफ मास है, ठीक है। तो बुलेट का मास हमें दे रखा है 0.04 किलोग्राम, मूविंग विद स्पीड, जो बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है 90 मीटर पर सेकंड के साथ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितने दे रखी है 90 मीटर पर सेकंड, और मूव करके क्या करती है एक वुडन प्लैंक के अंदर, एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाती है, लाइक इस तरीके से एक वो गोली आ रही है, ऐसे बुलेट आ रही है और ऐसे ऐसे उसके अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, एंड स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमें डिस्टेंस दे रखी है, कितने दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इतना उसके अंदर एंटर करने के बाद रुक जाती है,
ठीक है, तो रुक जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, हमें निकालना व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट। अभी हमने निकाला था वैसा ही कुछ है, व्हाट हमें निकालना व्हाट इज एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन बुलेट। ये हमें निकालना है। आप देखिए बेटा, ये हमें जा रखा 0.04 के जी 90 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 0. ये 60 सेंटीमीटर है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, तो आ जाएगा 0.6 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, जीरो है। तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, यानी कि हमें एफ निकालना है। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एम ए होती है। तो हमारे पास एम तो है बट ए नहीं है, तो हमें ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखिए ए की वैल्यू नहीं है। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला, अब हमारे पास ए निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक हमारे पास होता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए। क्योंकि हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए, ए निकालना है तो एक साइड रख लेंगे, तो ए इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन टू एस, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करें, वी कितना है जीरो, और यू कितना है हमारे पास 19 to 90 2, एस कितना दे रखा है 0.6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस 19 to 90, ओके, और अपॉन में 2 into 6 into 10, इसका ओके। अब देखिए 2 5 10 और ये कट जाएगा, 6 1 6 6 5 30, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 6750, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन। एफ निकालना है एम इंटू ए, एम कितना है मेरे पास 0.04, ए कितना है माइनस 6750। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/100 माइनस 6750, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, 5 से कट जाएगा, 5 5 5 5 3 15, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर गेटिंग माइनस 270 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं हर उस कंसेप्ट को कोशिश कर रही हूँ ट्राई करने की कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन को उठाएं, ओके। हाँ जी, चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास क्या एक डायग्राम गिवन है, ये देखिए मेरे पास एक एफटी ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे आपका टू है, और दिस इज 3 एंड दिस इज 5, और ये मैक्सिमम आपका दे रखा है, ठीक है। अब ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास, बॉडी का जो मास है वो 2 kg दे रखा है, वेरीज विद टाइम, टाइम साथ वेरी कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है फोर्स, ठीक है। आपको बताना है इंपल्स ऑफ फोर्स एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फोर्स, हमें क्या बताना है, फाइंड
इम्पल्स और फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब आपको पता है एरिया अंडर एक्टिग्राफ, जो एक्टिग्राफ के अंदर एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। हम ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सो इम्पल्स बेसिकली क्या है, फोर्स है ना, चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं हम इम्पल्स को, क्या कह सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर एक्टिग्राफ, सो इम्पल्स वी हैव टू फाइंड। हाँ जी, सो बेटा देखिए एरिया अंडर एक्टिग्राफ, तो हम इस पूरे एरिया की बात करेंगे। सो देखिए पहले हमारे यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या, एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर से एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या हो जाएगी, हम इसका नाम रख लेते हैं। सबसे पहले जो एरिया की बात होगी, फिर हम लिख लेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल की बात आएगी, फिर से एक, देखिए पहले एक ट्राइंगल आएगी, फिर एक रेक्टेंगल आएगी और एक ट्राइंगल आएगी। तो इस तीन का एरिया हम निकालेंगे। तो पहले हम ट्राइंगल का निकालते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है टू और हाइट कितनी है फोर, प्लस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है थ्री माइनस टू दैट इज वन, और ये कितना है फोर, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है फाइव माइनस थ्री टू, हाइट कितनी है फोर। इन और हमारे पास इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस यू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर, तो ये आपके पास ट्वेल्व आ जाएगा और एम मास कितना है टू वी माइनस यू। तो स्टार्टिंग में देखिए आप बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या है, जीरो है। जब स्टार्टिंग में बॉडी हमारी चली है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की, जीरो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वेल्व इज इक्वल टू टू वी माइनस जीरो, यही वी हमें निकालना था, टू सिक्स चार ट्वेल्व, तो वी आपका यहाँ से हो जाएगा सिक्स मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बलून ऑफ मास 10 ग्राम, जो एक बलून है हमारे पास, एक गुब्बारा है जिसका मास 10 ग्राम है, ओके, एंड द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, बलून से मतलब एयर निकल रही है और जो निकलने का उसका रेट है वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना रेट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से निकल रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, और ब्लूम श्रिंक हो गया है कम्प्लीटली इन 2.5 सेकेंड, यानी कि ब्लूम क्या हो गया है 2.5 सेकेंड में श्रिंक हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया है, जैसे आपने गुब्बारे को, खुले हुए गुब्बारे को रिलीज किया है। हमें निकालना है एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लूम, कि उस ब्लूम पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए बेटा हमारे पास एम कितना गिवन है 10 ग्राम, वेलोसिटी कितने गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। हमें निकालना है फोर्स, हमें क्या निकालना है फोर्स निकालना है। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको हम क्या लिखेंगे डी बाय डी टी एम इंटू वी, ठीक है, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम बाय डी टी इंटू वी। अब देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एम वी सारा कुछ सोल्व करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि हमारे पास डी एम बाई डी टी सोल्व कर सकते हैं हम इजिली इसको। तो देखिए ये कितना दे रखा है चेंज इन मास 10, और कितना टाइम ले रहा है मास चेंज होने में 2.5, तो इसको आप क्या लिखोगे 100 बाई 25, तो 4 ग्राम पर सेकेंड, ये चेंज इन मास आ गया, वेलोसिटी आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इन वैल्यूज को, तो इस पार्ट को हम यहाँ सोल्व करते हैं अच्छे से। सो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू वेलोसिटी कितनी गिवन है बच्चे, वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास एवरेज फोर्स 20
ढाई, क्योंकि सारा सीजीएस सिस्टम में बात हो रही है, हमारे पास एसआई सिस्टम में बात नहीं हो रही, हमारे पास बात हो रही है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में बात हो रही है तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। हाँ जी, सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सो हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है, एक मास एम है और ये स्प्रिंग के साथ अटैच है एक दूसरे मास से, ठीक है। एक मास ये भी दे रखा है, दोनों का सेम मास है और दे आर अटैच विद ईच अदर। ये एक हमारे पास ए बॉडी है, ये एक हमारे पास बी बॉडी है। ओवरऑल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इस पे जो टेंशन लगेगी वो इधर लगेगी और इस पे जो टेंशन लगेगी वो इधर लगेगी, ठीक है। अब देखिए दो बॉडीज हैं, हर एक का मास एम है, एक मास लेस स्प्रिंग से दोनों अटैच हैं, ठीक है, और एक फोर्स एफ वर्क कर रहा है ऑन द मास बॉडी बी। ओके, एट इंस्टेंट जब शो कर रखा था ए द बॉडी ए हैज एक्सेलरेशन, जो ए बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है। ओके, तो हमें बताना व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, हमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है। ओके, अब देखिए हमने टी माना दोनों में टेंशन, ठीक है। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए, ठीक है, तो ए बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, वो क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमने माना लेट ए डैश, लेट क्या है ये, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, जो बी बॉडी है ना उसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एम ए डैश इज इक्वल टू एफ माइनस टी, क्योंकि देखिए इस बॉडी का निकालना है तो दोनों क्या है, अपोजिट है ना, तो जो फोर्स है वो किसके, टेंशन के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ माइनस टी लिखा है। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम ए, हमें पता है ये, हमने यहाँ से निकाल दी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, एम ए डैश। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ माइनस एम ए अपॉन एम, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बी, ठीक है, क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, आपको सारे न्यूमेरिकल्स में साथ साथ प्रैक्टिस कराती हूँ, हम एनसीईआरटी के टेक्सचुअल न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या पर्सनली, ठीक है। तो बेटा आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, अच्छे से काम करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।